हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अभी के लिए, गुड मॉर्निंग। और जानता हूँ, गुस्सा नहीं करना। सबको यही सवाल होगा कि भाई आपने तो कहा था कि वीकली वीकली अपडेट करेंगे, लेकिन आपने करी नहीं, तो सॉरी। क्योंकि भाई अभी टेंशन आ गई थी, क्योंकि हमारी जो 12वीं कक्षा के जो इम्तहान हैं वो नज़दीक आ गए हैं, तो उसकी भी तैयारी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, तो दोनों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन खैर, आपने घबराना नहीं। बात करते हैं अब अपनी वीडियो की। तो भाई, वीडियो मैंने कल एक बनाई रात में, पिज़्ज़े की रिव्यू उसी वक्त देना था, लेकिन माशाल्लाह जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ की लाइट कुछ ज़्यादा ही हमसे प्यार करती है, तो वो आती जाती रहती है। अब जब लाइट चली गई थी तो मैंने सिर्फ वीडियो के शॉर्ट्स बनाए और पिज़्ज़ा खाने पर फुल फोकस करा। भाई साफ बात है, कोई सामने चीज़ रख के अब शशके तो नहीं मारेगा ना यार कि ये ऐसा है वैसा है, हमने बस खा ली। तो अभी मैं उसका रिव्यू देता हूँ, तो बिना किसी टाइम जाया करे करते हैं रिव्यू का आगाज। हाँ तो जी बहनों और भाइयों, अब बात करता हूँ पिज़्ज़े की। तो बॉस, पिज़्ज़ा मैंने मंगाया था अपने डील कार्ड में से, मेरे पास एक डील कार्ड पड़ा हुआ है पिज़्ज़ा स्टेशन का करंगी का बहुत फेमस है यहाँ पे, एक पिज़्ज़ा मैक्स के नाम से, एक पिज़्ज़ा स्टेशन के नाम से, तो दोनों ही बहुत फेमस है। इस बार हमने पिज़्ज़ा स्टेशन का खाया था, अगली दफ़ा हम पिज़्ज़ा मैक्स का खाएंगे। मुझे 800 रुपये का जंबो पिज़्ज़ा मिला था जिसके अंदर 10 स्लाइस थे, और 10 स्लाइस के अंदर जो बॉस दो थी बहुत ही आला थी, क्योंकि हाँ। तो बहन और भाइयों, मैंने जो पिज़्ज़े का फ्लेवर मंगाया था वो था सुपर क्रीमी सुप्रीम था, और भाई उसका टेस्ट बहुत ही आला था यार, बहुत आला लजीज था। जैसा कि आप वो वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह की उसके अंदर चीज़ थी, चिकन थी, और इसके अलावा भाई फुल। खैर, दूसरी बात ये भाई के जम्बो पिज़्ज़ा में ये स्लाइस बहुत थे, 10 हो सकता है, आगे भी अपने अपने हिसाब से हो, कोई 12 देता हो, कोई 14 देता हो, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टफुल था। और इसके अलावा आप घर बैठे भी मंगाएं, आपका भाई नंबर एंड में दे देगा, क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड की भी एहतियात करें, घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें और सैनिटाइज़र भी लगाएं। और दूसरी बात ये कि और एड्रेस भी मैं आपको इसके एंड में दे दूंगा, तो आप लोग ज़रूर कॉल करें, मंगवाएं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। अपने फैमिली वालों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी करिएगा, और अगर आप करंगी में हैं तो लाजमी एक दफ़ा खाइएगा ज़रूर, क्योंकि यार देखो, अब जब पास पास में रहते हो तो खाना तो बनता है। और भाई, इसके अलावा मैं बहुत दिल से माजरत खाऊँ कि पूरे 2 हफ्ते बाद वीडियो डलेगी शायद, हाँ 2 हफ्ते बाद, तो अब इंशाल्लाह बहुत वीकली होगी, वीकली डलेगी वीडियो, वीकली से पहले ही डल जाएगी, क्योंकि बकरा ईद भी आने वाली है, और बॉस बकरा ईद के चशके, ओह लड़कों की यही तो ईद होती है। तो भाई, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपने पिज़्ज़ा खाया तो भी बताएं, अगर नहीं खाया पहली दफ़ा ट्राई करेंगे तो भी बताइए। और इसी के साथ भाई को इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ परसों या तरसों मतलब दूसरी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए, जज़ाकअल्लाह। आपस की बात है, यहाँ कोई हमारे एरिया में वीडियो बनाने नहीं देगा, कभी चने वाला आ रहा है, कभी बर्तन वाला आ रहा है, समझ से बाहर है, सबको आज ही चीज़ें बेचनी है। वाह वाह।